सिरमौर जिला के लोगों को रोजगार और उद्यमिता के बारे में प्रेरित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा नाहन के एसएफटीए हॉल में एक दिवसीय स्किल ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम द्वारा विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग करवाकर युवाओं को सक्षम बनाया गया है, जिसके बाद वे स्वरोजगार अपना सकते हैं। हमारा जो एचपी कौशल विकास निगम है उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप का, स्किल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग हमारे 400 से 500 छात्र जो हैं वो भाग ले रहे हैं, और इसके लिए मैं कौशल विकास निगम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पहल यहाँ से स्टार्ट करी है। इसके बाद हमारे सभी जो हमारे सब डिवीज़न लेवल हेडक्वार्टर्स हैं उन पे जो है वो इस तरीके के हमारी वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाएगा, और इन वर्कशॉप का आयोजन करने का एक ही उद्देश्य है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंटल काउंसिल द्वारा और साथ में जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्किल कौशल विकास निगम द्वारा जो है जो एक स्किल के हमारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो छोटी अवधि है 3 माह से लेके जो है 1 साल के कोर्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। इसलिए कराए जाते हैं ताकि जो बच्चे हमारे एकेडमिक कॉलेजेस में, आईटीआईज में या अन्य इंस्टीट्यूशन में कोई भी कोर्स करते हैं, उसके बाद करने के बाद उनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की एक अलग से स्किल हो, ताकि जैसे ही वो बाहर निकलें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर निकलें, तो उनको बाहर निकलते ही कोई ना कोई रोज़गार उपलब्ध हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो, ऑफिसेज में हो, या फिर वो अपना जो है वो स्वरोजगार की तरफ जो है वो अग्रसित उसमें हो सकते हैं। उसके इन बच्चों को इस स्वरोजगार के लिए तैयार करना और रोज़गार के लिए तैयार करना, एक पर्टिकुलर स्किल देना ही आज की वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है, और इसीलिए जो है कौशल विकास निगम और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जो है वो इसके लिए दिन रात जो कार्य कर रही है।